कोरोना वायरस के चलते मजदूरों और गरीबों को खाने के लिए तरसना ना पड़े, इसको लेकर धार्मिक संस्थाओं के साथ सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों से स्थानीय लोगों द्वारा गरीब परिवारों को राशन भी बांटा जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने लोगों को साथ लेकर इस मुहिम को मजबूत करने की बात कही। इस मौके पर स्थानीय लोग गरीब और असहाय लोगों के घर घर जाकर उन्हें जरूरत की वस्तुएं और राशन वितरित करने का पुण्य काम कर रहे हैं। कमेटी के प्रधान सुरेश ठाकुर ने बताया कि अभी तक करीब 120 परिवारों को राशन वितरित किए जा चुके हैं तथा लोगों के नंबर लेकर घरों तक राशन पहुँचाने का आश्वासन भी दिया गया है। विधायक सुभाष ठाकुर ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसे में लोगों के पास खाने का सामान नहीं है। इन लोगों की मदद के लिए कई संस्थाएं आगे आई हैं और लोगों को जरूरतमंदों को मदद की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो एक निवेदन भी किया है और सब लोगों से एक आग्रह किया है, उसी उपलक्ष्य में आज हमारे हिमाचल में भी, बिलासपुर जिला में भी और हमारे सदर चुनाव क्षेत्र में सभी लोग, आम नागरिक, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो यह निवेदन है उसके ऊपर डिस्टेंसिंग, उसके लिए कहा गया है कि थोड़ा एक डिस्टेंसिंग रख के और समाज को जागरूक करके अपने घर में ही रह के हम इस कोरोना की महामारी से इससे पार भी पा सकते हैं और हिमाचल प्रदेश आज तक बहुत सुरक्षित प्रदेशों में से एक प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में प्रशासन और सभी इलेक्टेड जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सभी लोग लगे हुए हैं। आज मैं आपके कुठेड़ा में और कुठेड़ा में ये सारा जितना भी राशन है लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन से भी किया है और लोग इसमें सारी संस्थाएं लगी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हर जगह पर आपने बीड़ा उठाया, कहीं पर व्यापार मंडल लगा हुआ है, कहीं पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन लगी है, कहीं पर हमारे विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, सभी लोग इस पे लगे हैं कि इस चुनाव क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूख से या भूखा ना रहे या किसी चीज से वंचित ना रहे। आम नागरिक का सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, सभी संस्थाओं का सहयोग मिल रहा है। मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और 14 तारीख तक ये सभी लोग इसी तरह से सहयोग भी दें और यह सभी लोग ये कोरोना से और इस वायरस से दूर रहने के लिए लोगों को एजुकेट भी करें, ये मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ। और एक बार फिर आपका